वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। टॉपिक की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि हम लोग आज की क्लास में क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो टॉपिक की शुरुआत हम लोग करते हैं कहां से, एनालिटिक फंक्शन से। आज कोशिश करेंगे कि इस टॉपिक को क्लोज कर दें, एनालिटिक फंक्शन। ठीक है, एनालिटिक फंक्शन, फंक्शन को एनालिटिक होने के लिए किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती है बताइए शीतल आपसे। बिल्कुल सही जवाब है, कितनी बढ़िया उन्होंने बात कही है कि वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए, वो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फिर दूसरा वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफरेंशिएबल होना चाहिए। बढ़िया, यहाँ पर जो डिफरेंशिएबिलिटी का सेंस जाता है उसके लिए डेफिनेशन शायद आपको बता दिया था, एफ डैश जेड इज टू क्या बन जाता है, लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो फिर एफ जेड प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड होल अपॉन डेल्टा जेड। कोई समस्या यहाँ तक? ये क्या जनरेट हो जाता है, एफ डैश जेड। अब एनालिटिक फंक्शन को कंफर्म करने के लिए हमारे पास दो तरीके की कंडीशंस पाई जाती हैं, एक को बोलते हैं नेसेसरी और दूसरे को बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन। जो हमारे पास ये कंडीशन लिखी गई है इस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, ये सफिशिएंट कंडीशन है। तो फिर जो नेसेसरी कंडीशन आती है वो क्या आती है, नेसेसरी कंडीशन। हाँ बताइए भाई प्रशांत, नेसेसरी कंडीशन क्या आती है, सी आर इक्वेशन दो हिस्सों में टूट जाती है। एक आता है कार्टीजियन फॉर्म के लिए, किसके लिए, कार्टीजियन सिस्टम के लिए। जब कार्टीजियन की बात करते हैं तो कार्टीजियन में यहाँ पर कौन सा जनरेट हो जाता है, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस का वी एक्स। बोलो भाई मानसी, यू एक्स का मतलब यहाँ पर क्या होगा और वी वाई का मतलब, डेवर वी अपॉन डेवर वाई। यानी यहाँ पर जो यू एक्स है वो असल में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इसी के साथ में हम लोग एक हिस्से को और भी जानते हैं और जिसको हम नाम देते हैं क्या, पता नहीं क्या ही है। हाँ, इसमें एक और भी फॉर्म आता है जिसको बोलते हैं पोलर फॉर्म। बताइए भाई शीतल, पोलर फॉर्म, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ क्या है, बहुत बढ़िया, बोलो जरा। आर यू आर इक्वल्स टू आर यू आर इक्वल्स टू वी थीटा एंड आर वी आर इक्वल्स टू माइनस का यू थीटा। यहाँ पर यू थीटा जो है उसका सेंस किस बात से होगा, पार्शियल डेरिवेटिव से होगा। किससे होगा, पार्शियल डेरिवेटिव से होगा। तो नेसेसरी कंडीशन हो गई, सफिशियंट कंडीशन हो गई, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने लगाए होंगे। इसी के साथ में हम लोगों ने सीखा था एनालिटिक फंक्शन का कंस्ट्रक्शन। क्या सीखा था, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन। बताइए भाई संदीप, कंस्ट्रक्शन हम लोग किस थ्योरम से करते हैं, मिलनेस थॉमसन थ्योरम से करते हैं। कंस्ट्रक्शन हम किससे करते हैं, मिलनेस थॉमसन थ्योरम से। तो मिलनेस थॉमसन थ्योरम, मिलनेस थॉमसन थ्योरम, मिलनेस थॉमसन थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ से जो हमारे पास जनरेट होते हैं, यहाँ से दो टाइप के आउटपुट तुम्हें देखने को मिलेंगे। पहले टाइप का जो आउटपुट है वो तुम्हारे पास कुछ ये रहा, ग्रीन से लिख देते हैं, ठीक है, तो बढ़िया से समझ आएगा। हाँ, सबसे पहला जनरेट होता है एफ जेड इक्वल्स टू, ये जनरेट कर देता है इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन फाई वन जेड कॉमा जीरो माइनस का आई फाई टू जेड कॉमा जीरो, साथ में डी जेड और प्लस आ जाता है सी। ये वाला जो हिस्सा रहा इसमें फाई वन की वैल्यू क्या जनरेट हो जाती है, फाई वन की वैल्यू क्या जनरेट होती है, डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, और जो फाई टू होगा वो जनरेट हो जाएगा डेवर यू अपॉन डेवर वाई। कोई समस्या? यहाँ से फिर दूसरे हिस्से को जनरेट करते हैं, तो यहाँ से आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरह से, जिसको हम बताते हैं एफ जेड इक्वल्स टू साई वन इंटीग्रेशन साई वन जेड कॉमा जीरो प्लस का आई साई टू जेड कॉमा जीरो। ये जो पूरा हिस्सा है इसको बोलते हैं प्लस सी। इसमें जो साई वन जा रहा है, क्या कहा, इसमें जो जा रहा है साई वन, वो साई वन किस नाम से जाना जाता है, डेवर वी अपॉन डेवर वाई, डेवर वी अपॉन डेवर वाई, और जो साई टू है वो चला जाएगा डेवर वी अपॉन डेवर एक्स। कोई समस्या? इसमें दोनों में ही वी है, इसका मतलब ये कब वैलिड होगा, जब वी गिवेन होगा, और इसमें दोनों में ही यू है, मतलब ये वाला कब इस्तेमाल होगा, जब यू गिवेन होगा, मतलब ये कब वैलिड होगा, ये कब वैलिड होगा, वेन वी इज गिवेन, वेन वी इज गिवेन, और ये वाला कब इस्तेमाल होगा, वेन U is given। कोई समस्या? यहाँ तक हम लोगों ने इतनी चीजें डिस्कस कर ली थी, क्या यहाँ तक चीजें क्लियर आ रही हैं? ठीक है, बढ़िया, आगे बढ़ा जाए। कुछ क्वेश्चंस करने के लिए थे जिसमें कहा था कि एनालिटिक फंक्शन को किस तरीके से जनरेट करते हैं और साथ ही साथ ये सब चीजें, इस पर हम लोग लास्ट क्लास में चर्चा कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने इस पर बेस्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट लिए होंगे। जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा और क्लियर करो। जब भी हम बात करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया।
डिफरेंशियबिलिटी का यहाँ पर जो सेंस जाएगा वो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। बहुत बढ़िया कीर्ति, अति उत्तम, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। जितने भी क्वेश्चन पूछे सभी के एकदम सही जवाब दिए हैं।